إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو پوری کائنات دے خالق مالک رازق جبار دستگیر غوث اعظم علا کل شین قدیر نے درود و سلام دلئی امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بتہا امام اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ
सारी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दी दिलां दी बहार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते। हज़रात व हाज़रीन, कुरान मजीद मुकद्दस मुताहर मुअल्ला किताब ला रैब और बेऐब किताब दी कुरान पाक दी एक आयत मुबारक तुहाडे सामने पढ़ी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान सुन्नत के मुताबिक सानू सारे जिंदगी गुजारा दी तौफीक अता फरमाए। मास्टर असलम साहब की बड़ी मुहब्बत है, बड़ा प्यार है कि अज तो एक साल पहले इसी मस्जिद अंदर अलहमदुल्ला नमाज और बेनमाज के मौजू पर बयान किया। उन्होंने मैं कहा कि आंदा जोड़ा प्रोग्राम होएगा वह तौहीद से ही होएगा। मैं चाहना अल्लाह की तौफीक नाल अल्लाह की मेहरबानी नाल कि मैं जितने को तुसी मेरे सामने आए हो मैं अज इंशाल्लाह इतनी कि तुहानू कुरान दी आयतां सुनावा। तौहीद एक बहुत बड़ा अहम मौजू है, इस दियां कई कई किस्मां ने। इस तौहीद दे विच्चों सिर्फ एक बात मैं बयान करना चाहना, वो बात केड़ी? अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी इस आयत के अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह पाक फरमा रहे ने या अय्युहन नास, ए सारी कायनात दे लोगो, या अय्युहन नास। अन्नास के अंदर जदों की दुनिया बनी है, या इस तरह समझो कि आलमे अरवाह तो लैके और क्यामत वाले दिन तक, मैदान माशर वाले दिन तक, ये अल्लाह ताला ने अपने नबियों को नू और साडे को नू आलमे अरवाह के अंदर वादा लिया सी। वादा की लिया सी? किसी नू याद है वादा? अल्लाह ताला ने पूछा सी ना, अलस्तु बे रब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब हाँ के नहीं? तो सारे ने किया कसी कालू बला, अल्लाह जी बिल्कुल तुसी साडे रब हो। अन्नास दे अंदर दुनिया सारी, इस अन्नास दे अंदर दाखिल नबी ने, वली ने, सहाबा ने, जितने पीर, जितनी कायनात के लोग ने, इस अन्नास के अंदर दाखिल। अल्लाह ताला फरमा रहे ने या अय्युहन नास, ए सारी कायनात के लोगों, अंतुमुल फुकराउ, तुसी सारे दे सारे फकीर हो। असा सारे दे सारे किया फकीर, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, किसते फकीर? अल्लाह दे फकीर। वल्लाहु वल्गनीजुल हमीद, अल्लाह गनी है, अल्लाह तारीफ दे लायक है, अल्लाह हमद दे लायक। आइए और मैं इस चक के अंदर साईवाल के अंदर बांध बरमला ऐलान कर देना चाहना कि अन्नास के अंदर क्या अली हजवेरी दाखिल नहीं? अन्नास के अंदर क्या सुल्तानुल आरिफीन दाखिल नहीं? क्या अन्नास के अंदर बनी के दाद बाबा फरीद के अंदर दाखिल नहीं? सारी चीज जितने लोग क्यामत तक पैदा होने ने, या आए ने, या मौजूद ने, इस सारे दे सारे अन्नास के अंदर दाखिल। अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लोगों ने लानू फरमाया। अल्लाह पाक दियां मेहरबानियां ने आसना दियां नल रब दे कुरान दा ऐलान कर रहा वा, रब दी तौहीद, रब दी तौहीद बयान कर रहा वा। अल्लाह पाक फरमा रहे ने या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। अल्लाह पाक
फरमा रहे हैं और कहना दे लोगों गौर करना अन्नास के अंदर अली हजवेरी भी दाखिल है, अन्नास के अंदर बाबा जी बुल्ले शाह भी दाखिल है, अन्नास के अंदर सारी कैनात दाखिल है। अल्लाह पाक ने सारी कैनात नू खता फरमाया, फरमाया या अय्यू अन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। अल्लाह पाक दे मेहरबानी नाल आइए सुनिए ध्यान नाल, जितने नबी आए ने हर नबी आला है, अल्लाह दी कसम नबी सारे आला ने, नबी सारे आला ने ते नबी भी मुताज ने ते मेरे रब दे नबी भी मुताज किसने ने अल्लाह दे मुताज ने। आइए मैं कुरान दियां तां बनना चाहना, मैं एक नबी दा तारुफ करवावा, मैं एक नबी दी बात सुना रहा, रब दा कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह पाक फरमा रहे ने काफ हायाद जिक्र रहमत रब्बी का अब जकरिया इस नादा रब्बा निदान खफिया काल रब इन्नी वानल अज़्म मिन्नी वस्ताल रासो शैबा वलम अकुम बिदुआई का रब्बी शकिया। अल्लाह दादा नबी है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं दसना चाहना नबी सारे मुताज ने रब दे मुताज ने। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बोलो नबी है ने के नहीं, आला है ने के नहीं, अल्लाह दे करीबी है ने के नहीं। और नबी सारे रब दे करीबी होंदे ने, नबी सारे अल्लाह दे करीब ने, नबी अल्लाह दे करीबी होंदे ने। अल्लाह पाक ने नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम दी बात कर रही हां, और नबी भी आला है, और ज़करिया अलैहिस्सलाम में कोई माड़ा मोटा नबी नहीं, अल्लाह दा नबी है। ते अल्लाह पाक दे अंतरले मिंता कर रहा है, अदा कौल रब्बे वहन अज़्म मिन्नी वस्ताल रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। अल्लाह दा नबी की कह रहे हैं गौर करना, अल्लाह दा नबी की आकर अल्लाह दे के थले कर रही है, अल्लाह जी मैं तेरा फकीर। नबी ज़करिया अली सलातु वस्सलाम रब दा कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह दा नबी की कह रही है। आइए सुनिए ध्यान नाल, ज़करिया अली सलाम की कह रहे ने इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वस्ताल रासु शैबा। अल्लाह जी मेरिया हड्डियाँ कमजोर हो गई, अल्लाह जी मेरे सर दे बाल सफेद हो गए, अल्लाह मैं तेरा नबी हाँ, अल्लाह मैं तेरे दरवाजे ते आया वहाँ, अल्लाह मैनू पुत्र चाहिए, अल्लाह मैनू औलाद चाहिए है, अल्लाह जी तेरे इलावा कोई औलाद दे सकता नबी भी आला है। असलम साहब नबी ज़करिया भी आला है, ते रब दा मुताज बन के रब दे हाँ दुआवां कर रही है, रब नू मना रही है, रब दे अगे थले कर रही है, कहंदे अल्लाह जी मेरिया हड्डियाँ कमजोर हो गई, अल्लाह मेरे सर दे बाल सफेद हो गए, मेरी दाणी सफेद हो गई, अल्लाह जी अज मैनू बेटा चाहिए है। और नबी है के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यह अकीदा दसिया, तौहीद वाला अकीदा दसिया है, कहना दे लोगों और नबी भी मुताज मेरे रब दा। ज़करिया अलैहिस्सलाम की कहते हैं अल्लाह जी बेटा चाहिए है, अल्लाह जी मैं तेरा फकीर हाँ, अल्लाह जी हाजत रवा तू है, अल्लाह जी मुश्किल कुशा तू है, अल्लाह जी गौसे आज़म तू है, अल्लाह जी मुख्तार कुल तू है, अल्लाह जी दस्तागीर तू है, अल्लाह जी गौसे आज़म तू है। अल्लाह दे नबी ज़करिया ने आखिया अल्लाह बेटा चाहिए है, जदों नबी ने
मंगी है अल्लाह को अल्लाह दे आज दी की है अल्लाह दे अल्लाह नू कि अल्लाह मैं तेरा फकीर बंदा वा अल्लाह जी बेटा चाहिए ते अल्लाह पाक ने पर रहमत की फरमाई कौन करना अल्लाह पाक फरमा रहे ने या ज़करिया इन्नान बशीरों का बे गुलाम मिन निस्मु यहया अल्लाह ने किया ऐ मेरा ज़करिया तू मेरे दरवाजे ते आया है बोलो औलाद कौन दे अंदर उची आवाज नाल दसो औलाद कौन दे असा ना मैं अपने इलाके की बात करा मैं मोटरवे ते जा रहा सी अब्दुल हकीम इंटरचेंज तू चढ़िया ते रास्ते दे अंदर ना एक मोटरवे दे उत्ते लिखी है कि धरती जड़ी है बहु सुल्तान दी है कहंदा धरती बहु सुल्तान दी ओ भाइयों ए धरती किस दी है आइए मैं कुरान पढ़ना चाहना अल्लाह पाक फरमा रहे ने सब्बा लिल्लाह मा फिस समावाती व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम किते अल्लाह पाक फरमा रहे ने बाबा जी और करना अल्लाह पाक फरमा रहे ने कुल मन रब्बुस समावाति सबई व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सैया कौलूना लिल्लाह अधनिया गना दे लगा ए धरती मेरे रब दी है ए धरती बहु सुल्तान दी नहीं ए अली हजवेरी दी नहीं ए सुल्तान उल आरफीन दी नहीं ए गंज बख्त दी धरती नहीं ए रंज बख्त दी धरती नहीं ए धरती किस दी है फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अय्दीहिम वमा खल्फ़हुम ए धरती मेरे रब दी है ते इस धरती ते अल्लाह दे नबी ज़करिया ने अल्लाह दियां अर्ज़ू कीतियां अल्लाह नू मिन्नत समाती कीती है फरमाया अल्लाह जी बेटा चाहिए है अल्लाह पाक फरमा रहे ने और मेरा ज़करिया हुण तू मेरे कोल मंगी है अज बेटा भी मैं दे रही वा ते दा नाम भी यहया रख दिता अल्लाह पाक दी नबी हज़रत ज़करिया फकीर ने और किसने फकीर ने अल्लाह पाक फरमा रहे ने या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु वल गनीयुल हमीद और दुनिया गना दे लोगो नबी सारे मंगते ने नबी सारे फकीर ने नबी सारे सवाली ने नबी मंगते रहते अल्लाह को मंगते रहे एक और नबी का तारुफ करवावा हजरत सैयद जनाब हजरत यूनस अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी है ने के नहीं हजरत यूनस अलैहि सलातु वस्सलाम बात बड़ी लंबी है जदों मछली दे पेट अंदर गए अकीदा तौहीद समझिए हजरत यूनस ते मुश्किल आई है परेशानी आई है मुश्किल आई है मुश्किल दे अंदर मेरा यूनस की कह रहा रब दे कुरान ने नक्शे बयान किए ने अल्लाह पाक फरमा रहे ने वज़नून इज़्ज़ाबा मुगाज़िबन फज़न्ना अल्लन नक़दिरा अलैहि फ़नादा फ़िज़ुलुमाती अल्लाह इलाहा
अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। हज़रते नबी है नबी हज़रते यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी दे पेट अंदर ने रात दा अंधेरा है पानी दा अंधेरा है मछली दे पेट दा अंधेरा ते यूनुस की कह रहे ने अल्लाह इला इला अंता अल्लाह तेरे इलावा कोई इला इलाता मगर तू ही है अल्लाह तू है अल्लाह तू है। अल्लाह जी अज मेरे ते परेशानी आ गई मैं मच्छी दे पेट च फस गया वा। और नबी यूनस ने मच्छी दे पेट च पुकारिया किसनू किया किया अल्लाह इल्ला अंता सुभानका अल्लाह तू पाके अल्लाह तेरे इलावा कोई इला नहीं अल्लाह तेरे इलावा कोई हाजत रवा नहीं अल्लाह तेरे इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। इन्नी कुंत मिन ज़ालिमीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी दे पेट च कलमे पढ़ी जा रहे हैं और लोगों नू दसिया के लोगो अल्लाह दे इलावा कोई मुश्किल हल कर सकता नहीं। आज बेटा मिल जाए ये कहता पीरां दिता जे मर जाए अल्लाह का हुक्म अल्लाह इलाहा इल्ला अंता अल्लाह पाक कह रहे ने ओ मेरा नबी यूनुस अगर मैनू मच्छी दे पेट अंदर ना पुकारदा ते मैं क्यामत तक मच्छी दे पेट च ही रखदा। अल्लाह इला परेशानी आ जाए मुसीबत आ जाए कोई तकलीफ आ जाए तो उस रब दे दरवाजे ते आया कर ओदा फकीर बन जा। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद। सारी कैनात मोहताज किस दे वे सारी कैनात फकीर किस दी है अल्लाह दी फकीर है अल्लाह बादशाह कर लई है लोगो केड़ा अल्लाह वल्लाहुल खालिकुल बारीउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। औलादा देने वाली जात कौन है? अल्लाह पाक दे कुरान ने की आख्या है अल्लाह पाक फरमा रहे ने फरमाया यखलुकु मा यशाउ या बुली मैं यशाउ इनासउ व या बुली मैं यशाउ सुकोर औ युज़व्विजुहुम सुकरानम व इनासा व यजअलु मैं यशाउ वकीमा इन्नहु अलीमुल कदीर। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं जिनू चावा बेटे देवा मैं जिनू चावा बेटियां देवा मेरे इख्तियार ने एक मुकाम ते अल्लाह पाक ने की फरमाया फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तौतिल मुल्का मन तशा व तंजीउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह पाक फरमा देने इज्जतां देना ते मैं देना जलतां देना ते मैं देना और लोगो आओ अज मैं तुहानू दसना चाहना फरमाया या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह और लोगो आओ अल्लाह दे दरवाजे ते आओ रब दे दरवाजे ते आ ता सही। नबी पाक सल्लम ने फरमाया नबी पाक ने फरमाया जड़ा बंदा रात नू उठदा नमाज़े तहज्जुद दे टाइम
उठ के जनाब अल्लाह दे घर जांदा है ते अल्लाह समाने दुनिया ते आंदे ने ते अपने बंदियां नू आवाज़ां ला रहे होंदे ने। मौला बड़ी प्यारी गल कर गए, अल्लाह पाक की कह रहे ने, ओ साध मारा मैं आप सवाली नू। अल्लाह पाक अपने बंदे नू आवाज़ां ला रहे होंदे ने। मौला बड़ी प्यारी गल कर गए, पुत्र बस करो है, साध मारा मैं आप सवाली नो, देवा दान ना मोड़ा खाली नो, क्यों छड़े ही मेरे दर आली नो, पढ़ ला इला इल्लल्लाह। अल्लाह दे दरवाजे ते आता सही, अल्लाह दे बुए ते आता सही, रब दा फकीर बन जा, रब दा मोहताज बन जा, रब दे दरवाजे ते आता सही। अल्लाह पाक कहंदे ने ओ खाली झोली आएगा, जदों मेरे दरवाजे ते आएगा मैं तेरी झोली भर देवांगा। मौला बड़ी प्यारी गल कर गए ने, ओ खाली हाथे आवे झोली भर देवा, मैं माल उलादा मैं जर देवा, ओ तेरी हर मुश्किल हल कर देवा, पढ़ लाई लावा। नबी अली सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब दे दरवाजे ते आ, जदों रब दे बूहे ते आएगा, रब कोलो सवाल करेगा, रब कोलो मंगेगा। अल्लाह पाक कहंदे ने ओ बाबा मेरे कोलो आवे सफेद दाढ़ी वाला। अल्लाह पाक फरमाते ने कि मैनू इन्ना चिट्टियां वालों का हया आंदा। अज दर दर ते बंदे धक्के खा रहे ने, कभी किसे दरबार ते जांदा है, कहंदा जी बाबा दी बेरी दे थले बह के चोली करके बैठा है बंदा है बेबी है, ते कहंदी है जनाब ए बाबा अज बेर डिगेगा ते मुंडा मिल जाएगा, जे पत्थर डिगेगा ते कुड़ी मिल जाएगी, मैं कहा जे पूरा टीण ही आ गया ते फिर की बनेगा। पत्ते खान नाल मैं तुहानू अपनी बात सुना रहा, मैं बहु सुल्तान दरबार ते गया, उत्थे इस तरह बीबियां झोलियां करके बैठिया ने, ए बाबा शाह जमाल ते पुत्र दे रताला, ए बाबा ले ले गोड़ दी रोड़ी ते दे चल पुत्रां दी जोड़ी। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह दी कसम है, ए दरबार वाले औलादा दे दे नहीं, आली हजवेरी बाऊ सुल्तान, ए जितने सारे गुजरे ने अल्लाह दे वली ने, जड़ा इन्हां दे वली मंदा नहीं, अल्लाह दी कसम है नू मोमिन नहीं मंदा। अली हजवेरी ने भी मंगिया ते रब कोलू, बाऊ सुल्तान ने मंगिया ते रब कोलू, उन्होंने भी दरवाजा खटका आया ते मेरे रब दा। अल्लाह दी तौफीक नाल अकीदा तौहीद अगर बयान करता है ते अहले हदीस ही बयान करते। आइए मैं एक और नबी दी बात सुनावा, सारी कायनात इमाम आजम जनाब मुहम्मद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात सुनावा। नबी पाक सल्लम आला है ने के नहीं, सारे नबियां नालों आला है ने के नहीं। अल्लाह पाक ने कीलान फरमाया, फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तरून, मा अंता बि नियमत रब्बिका बिमजनून, व इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। नबी आला है ने के नहीं, और नबी पाक सारे आला ने, लेकिन नबी पाक दी बात करा, सारी कायनात दे इमाम आजम दी बात करा। अबू दाऊद शरीफ अंदर बस ठीक हदीसे पाक मौजूद है, नबी इस्लाम को चंद बंदे हैं अरबी लोग, नबी पाक सल्लम को आए फरमाया महबूब जी असां अज तुहाडे कोल आए हां, बारिश नहीं हो रही,
अज बारिश की जरूरत है, बारिश वास्ते दुआ फरमा दियो। ते नबी अली सलाम ने अपने गोरे गोरे हाथ उठा ले। नबी पाक ने हाथ के अगे उठाए, अज तू मैं बाबियां दे अगे हाथ उठाने। जिहड़ा छे छे महीने नौंदा नहीं, जिहड़ा साल साल नौंदा नहीं, जिहड़ा नंगा बाजारां च फिरदा है, जिहदे कोल बो आउंदी है, वह वली अज दा अल्लाह की कसम है वली नहीं, वह अल्लाह का वली नहीं हो सकदा। जिहड़ा साल साल नौवे ना, जिहदे कोल बदबू आवे, जिहदे कपड़ियां दा भी पता कोई नहीं, वह वली हो सकदा है? नहीं। वह गज के बोलो वली हो सकदा है? नहीं। नबी पाक सल्लम ने गोरे गोरे हाथ उठाए। सारी कैनात इमाम आजम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने की पढ़िया, गौर कीजिए। नबी पाक ने गोरे गोरे हाथ उठा के आसमान वाल मुंह कीता, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमी। पढ़िया कर जो दुआ करें, जो दुआ करें अल्लाह को दुआ कीता कर, पहले पढ़िया कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी पाक ने की पढ़िया, हदीस बयान कर रही वहां, मैं हदीस दा कहला, मैं कुरान हदीस दा कहला, मैं नथ्यो फतू की बात नहीं कर रही, रब दे नबी की बात कर रही वहां। नबी पाक ने रब दा कुरान पढ़िया, पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जी सारिया तरीफा तेरे वास्ते ने, अल्लाह जी सारिया दा बादशाह तू है, अल्लाह जी सारी कैनात नू पालन वाला तू है, अल्लाह सारिया दा रब्बुल आलमीन तू है। नबी पाक ने किया क्या अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक ने किया किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नबी पाक ने किया किया मालिक यौमिद्दीन। नबी पाक ने अगले अल्फाज की बोले, ओ गौर कीजिए, नबी पाक दी बात कर रहे हैं, तौहीद दा मौजू बयान कर रहे हैं। नबी पाक ने किया क्या ला इलाहा इल्लल्लाह यफअलु मा युरीद। नबी पाक ज़बाने नबुवत जो पढ़ रहे ने, अल्लाह जी तेरे इलावा कोई इला जिन्हें में कोई शक हो ना बोले, तेरे इलावा कोई इला नहीं है। नबी पाक ने किया किया ला इलाहा इल्लल्लाह यफअलु मा युरीद। अगे नबी पाक ने की फरमाया, ओ कना दे लोगो, नबी पाक मुताज ने, नबी पाक भी फकीर ने, ते मेरे रब दे फकीर ने। नबी पाक ने किया अल्लाहुम्मा अंतल गनियो, अल्लाहुम्मा अंतल गनियो व नहनुल फुकरा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह रहे ने, अल्लाह जी तू गनी है, ते नबी पाक की कह रहे ने अंतुमुल फुकरा। नबी पाक ने प्यारे प्यारे लफ्ज बोले, फरमाया अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह। और नबी पाक ने आखिया अल्लाह जी मैं तेरा फकीर हाँ, अल्लाह जी मैं तेरा सवाली हाँ। हुण नबी पाक की सवाली किसते ने, सारे नहीं बोले, नबी पाक भी मंगते किसते ने, नबी पाक नू कोई परेशानी आती, ते नबी पाक किस दे अगे अर्जुआ कर दे, कहते अल्लाह तू मेरा मुश्किल कुशा है, अल्लाह जी तू हाजत रवा है। नबी पाक ने किसे दा वसीला पाया, अल्लाह दे नबी ने वसीला नहीं पाया। नबी पाक ने डायरेक्ट रब नाल काल मिलाई। और ये बात याद रखिए, दुआ करन दा तरीका समझिए,
जड़ा बंदा कहंदा मेरी दुआ कबूल हो जावे, नबी पाक ने फरमाया वो इब्तदा अंदर पढ़े की पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। नबी पाक ने फरमाया इन्ना जुमलिया नु पढ़े या पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह दियां तरीफां बयान करके दुआ कीता कर क्या कर अल्लाह जी मैं तेरा सवालिया अल्लाह जी मैं तेरा मंगता वा। उन नबी पाक सल्लम ने सवाल किस तगे कीता है, किसे दा वसीला पाया नहीं, एने क्या बाबा लसूड़ी सा, एने क्या बाबा पसूड़ी सा। नबी पाक ने रब दा वसीला रब नाल डटकाल मिलाई है। ओ मौला बड़ी प्यारी गल कर गए, ओ लसूड़ी इनू छड़ दे पसूड़ी इनू छड़ दे जमाने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे पर सुसादी नू छड़िया गुजारा नहीं होना। अल्लाह दे नबी ने लोगो अल्लाह दे सामने अर्दू की है, नबी पाक नू परेशानी आई है ते नबी पाक भी रब दे सवाली बने ने। अल्लाह पाक फरमा रहे ने या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनी हमीद। लोगो आओ अल्लाह का दरवाजा खड़काया जाए, अल्लाह के दरवाजे ते आ जा, रब को आके सवाल किया कर, रब को मंगिया कर। नबी भी सारे रब को मंगते रहे और नबी दे सहाबा भी, नबी दे सहाबा भी रब को मंगते गए और अल्लाह ने भी सानू ही हुक्म दिता है। अल्लाह पाक फरमा रहे ने वा कॉल रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह पाक कह रहे मेरे को मंगो, मैनू पुकारो तो सही, मेरे दरवाजे ते आओ। अल्लाह की कसम जद बंदा रात नूं उठदा है वुज़ू कर लैंदा है ते रब दे घर च आ जांदा है, ते जदों रब नूं सजदा करदा है ना ते की आदा है सुभान रब्बी अल आला, की पढ़दा है सजदे अंदर सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाह जी मैं तेरा वकीला, अल्लाह जी मैं तेरा मंगता वा, अल्लाह जी मैं तेरे दरवाजे ते आ गया वा, अल्लाह जी मैं तेरे को मंग रहा वा। अल्लाह तू पाक है, तेरे इलावा कोई और जात पाक नहीं। अल्लाह जी तू पाक है, अल्लाह जी मैं तेरा बंदा तेरे दरवाजे ते आ गया। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरा बंदा तेनू की चाहिदा है, कहंदा अल्लाहुम्मा गफिरली। अल्लाह पाक फरमाते ने जा मेरे बंदे तू मैनू सजदे ते हालत अंदर आके की है कि मैं तेरा फकीरा मैं तेरा मुताज हाँ। अल्लाह की कसम जदों सजदे पै के बंदा दुआ करता है, सजदे पै के रब दा बड़ा ही बंदा गरीब हो जाता है। नबी पाक ने फरमाया जदों बंदा कहंदा अल्लाहुम्मा गफिरली, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक फरमाते ने बाप मेरे फरिश्तों गवाओ जाओ अज मेरा बंदा सारे दर छड़ के सारियां नूं छड़ के अज मेरे दर ते आ गई है, अज सारियां दा बुआ छड़ के मेरे दरवाजे ते आ गई है। मेरे फरिश्तों गवाओ जाओ मैं इस बंदे दे सारे गुनाह माफ कर दिते ने। बंदा आवे तो सही रब दे दरवाजे, और बंदा रब दे दरवाजे ते आया तो सही। अज बंदा बड़ा ही परेशान है, महंगाई बड़ी है, परेशानियां ही परेशानियां ने। कहंदा यार महंगाई बड़ी है, मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे पैसे इतने होते ने। मैं एक बंदे नूं किया मैं तेरी किन्नी तनख्वाह है, कहंदा 50,000।
कहंदा यार मेरी 50,000 तनख्वाह है ते 2 दिन दे अंदर खत्म हो जाती है, फिर मैं मंगना शुरू कर देना। वजह की है जो बंदा रब का दरवाजा छड़ देंदा है ना, रब का बुआ छड़ के किसी होर दरवाजे ते टुर जाए, किसी होर दरवाजे ते टुर जाए। अल्लाह पाक फरमाते ने उस वक्त उस बंदे दी कदी पूरी पैंदी, वो परेशान ही परेशान रहता है। वो फिर कदी आदा मैं छल्ला पा लवा बाबे दा, कदी आदा मैं कड़ा पा लवा, कदी आदा बाबे होरी कहंदे ने मैं तवीज देना, परेशानियां मुक जांदियां ने। वो बड़ी मशहूर बात है, हाफिज साहब हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला को दुआ है अल्लाह मेरे बुजुर्ग की कबर ते रहमता फरमात। वो बयान करते ने कि एक माई ना एक बाबे को गई, बाबा जी मैनू तवीज दियो मेरा बंदा मर जाए। देखो जी माई बड़ी, बाबा जी मैनू तवीज दियो मेरा बंदा मर जाए, मैनू बड़ा तंग करदा है। बाबे और ने पेंसिल कटी तवीज बना के दे दिता। साल 2 साल गुजरे ना ते बंदा फौत हो गया 2-3 साल बाद, ते जनाब पता चलिया लोगों ने दसिया खबर मिली कि एदी बीवी ने दा बंदा ने अपना बंदा आप मारिया है। उन्हें क्या किवें मारिया, उन्हें क्या मैं फलाने को गई हाँ, वो बड़ा आला किस्म का बसूर आ गया, वो बड़ा पहुंचे होया है, मैं उदा तवीज लैके आई हाँ, तो तवीज नाल मेरा बंदा मर गया है। जनाब लोगों को लोग कट्ठे हो गए, पुलिस आ गई, उन्होंने क्या माई केड़ा बंदा है जेदे को तू तवीज लिया ते अपना बंदा मार दिता। ते माई ने कहा फलानी जगह ते बाबे होरी रहंदे ने, जब उस जगह ते गए ते उस जना बंदे नू फड़िया, उस बाबे नू फड़िया, जिवें अजकल बाबे फड़े जा रहे ने, कदी किस किसे तरीके दे नाल कदी किसे नू छड़दिया फड़े जा रहे ने। सोशल मीडिया ते देखो अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा, ये अजीब गरीब दे पीर डाकू फराड़िए, अल्लाह दी तौहीद इनकार करने वाले, नबी दी सुन्नत इनकार करने वाले। इन्हें पुलिस वाले ने जदों फड़िया उन्हें क्या मौलवी साहब बाबा जी तुसी तवीज लिखते दिता है कि इस माई का बंदा मर जाए, माई नू क्या तवीज लैके आ। जो तवीज लैके आंदा ना तो उन्हें कहा जी तवीज खोलो, जो तवीज खोलिया गया उत्ते की लिखिया है, ए माई तेरा बंदा मरे ना मरे मेरे पंज खरे, तेरा बंदा मरे ना मरे मेरे पंज, तेरा बंदा मरे ना मरे मेरे पंज खरे। आज भी वही सूरत हाल है, ये भावियां कोलू जांदे ने, बाबियां कोलू जांदे ने, ये मलंगा कोलू जांदे ने, ये भंग पीण वाले कोलू जांदे ने, जेड़े सारा सारा दिन सूटे लांदे ने, सारा सारा दिन नशा चलदा है। जनाब क्यों फलाना मुर्गा लेके आ, फलानी चीज का खून लगेगा, अल्लाह की कसम है अल्लाह की कसम है, ये सारे सारे जड़े ने ये फराडिए ने डाकू ने चोर ने, अल्लाह दी कसम आओ उस रब दे दर ते आ। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनीयुल हमीद। आइए मैं को और बात सुनाना चाहना, हाफिज साहब बात सुनाया कर दे दस के इंडिया दे अंदर ना 5 गिराई पिंड सी, बहुत बड़ा पिंड, तो उस पिंड के अंदर एको ही तौहीद नू मनन वाला, एको ही तौहीद नू मनन वाला, तौहीद दा इकरार करने वाला। दरिया लुल पिया, पानी आना शुरू हो गया, बाबे ने बड़े फूके मारे कि पानी रुक जाए, बाबे ने बड़े फूके मारे,
बाबे ने बड़िया करामत जहर की उन्होंने क्या जी हुने रुक जाएगा, उन्होंने क्या हुने रुक जाएगा। जदों पानी करीब आया जरा इको मवाहिद सी, सारे लोग परेशान ने, सारे कट्ठे होके खड़े, ते फकीर अल्लाह दा, मुहताज अल्लाह दा, रब दे सामने थले करन लग पिया, रब नू मनान लग पिया। अल्लाह जी तेरे इलावा कोई इस मुश्किल तू इस परेशानी तू टालन वाला? अल्लाह जी मैं तेरा फकीर हाँ, अज मैं तेरा कला वा, तेरा बंदा कला भी हाँ, तेनू मनन वाला भी हाँ। अकीदा तो ही समझिए, नौजवान कहंदा अल्लाह जी मैं कला ते तू भी कला, अल्लाह मैं भी कला ते तू भी कला। अल्लाह जी आज दे तू ना बचाया ते कोई बचा सकदा? जो रब दा साहब आवे फिर कोई बचा सकदा? अल्लाह दी कसमें पीर कट्ठे हो जान, वली कट्ठे हो जान, बुजुर्ग कट्ठे हो जान, अल्लाह दे असां तू बचा नहीं सकदे। जदों पानी आ रही ठाठा मारदा पानी आ रही, कहदा अल्लाह जी मैं दुनिया ते इस पिंड अंदर कला, तू आसमान ते कला। अल्लाह जी मैं तेरे अगे तला करना वा, मैं तेरा आजज बंदा, मैं तेरा फकीर बंदा, तेरे को दुआ करना अल्लाह जी आजस नू डक लै, अज पानी नू नहा दे। जो इसने कि अल्लाह जी मैं कला ते तू भी कला, अल्लाह जी मैं तेरा फकीर, ये लोग सारे वेख रहे ने, ये वली सारे देख रहे ने, ये कब्रां दे पुजारी सारे वेख रहे ने, ये शजरां दे पुजारी सारे देख रहे ने, ये लड़ियां दे पुजारी सारे देख रहे ने, ये मिट्टी दे पुजारी सारे देख रहे ने। उन्होंने कहा साढ़े वलियां को कम नहीं हो सकिया, इन्हें आखी अल्लाह जी मैं भी कला ते तू भी कला, अज सानू बचा लै। जद उसने आखिया अल्लाह मैं तेरा फकीर हाँ, अल्लाह दे हाँ रो रो के दुआ की, अल्लाह ने पानी रोक लिया। जदों पानी रुक गया ना ते सारे ही अल्लाह दी तो ही दाना रो बुलंद कर उठे, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनीयुल हमीद। सारे दे सारे असा फकीर, सारे दे सारे किया सारे दे सारे असा मुहताज। किस दे मुहताज? अल्लाह दी कसम, ये पीर फकीर किसे दे काम आ सकदे? जेदे उत्ते हजारा मन मट्टी पा दी जाए, ये कहंदा नहीं बाबा जी तुसी की कह रहे हो, वह कहंदा जी ये तो सुनदा सारा कुछ, पहले सुनदा नहीं, जो तो मर जाए मिट्टी पा दी जाए उदन सुन लग पा। अजीब गल है, उदन अदा जड़ी गल भी करो ना, साढ़े शोर को डंदर एक दरबार है, उत्ते एक टल लगो या टल, पहले जमाने टल टल खड़कान ना एक टली जी लगी हुई, और जड़ा बंदा उत्थे जांदा है कहंदा पहले बजुर्गों नू जगा लो टली खड़का के। अजीब अजीब ब्रह्म, कहंदा जी टली खड़का लो ते बजुर्ग उठ पैणगे, जे टली ना खड़काओ ते बजुर्ग नहीं उठणगे। अजीब अकीदा है, साडा अकीदा है, साडा अले हदीसां दा अकीदा है, जड़ा फौत हो जावे ओ सुनदा, जड़ा फौत हो जावे वह किसी की बात न सुनता नहीं, वह किसी की बात का जवाब देता नहीं। रब दे कुरान ने आखिया ना वो सुनता है ना वो जिंदा है, वह मुर्दा है, तो जड़ा मुर्दा होवे वह किसी की पुकार सुन सकता? मुर्दा किसी की पुकार नहीं सुने। लग्या टल, इनू खड़काओ जी पहले, फिर बजुर्ग उठन गए। अल्लाह दी कसमें कैसे कैसे अकीदे ने लोगो, मैं पैगाम देना चाहना, परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, रब दे दरवाजे ते आया कर, रब दा फकीर बन जा, रब दा आजज बन जा, इनकसारी वाला बन जा। जो तो रब दा आजज बन जाएगा, इनकसारी वाला बन जाएगा, अल्लाह तेरिया सारिया मुश्किल आसान कर, अल्लाह के दरवाजे ते आ कस, रब को मंगता सही। ओ बेनियाज है, ओ गनी है, दुनिया अंदर और कोई गनी नहीं है।
अल्लाह के अलावा कोई गनी हो सकता नहीं। गला बड़ा ख़राब है, तबीयत बड़ी ख़राब सी, वैसे हाजिरी के तौर पर आया। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला साडा इदा सफ़र करना, फिर सुनावांगे इंशाल्लाह अगली बारी। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली बारी सारिया फरमाइशां पूरियां करांगे। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला सानू सही मान अंदर अकीदा तौहीद नू समझण दी तौफीक अता फरमाए। तो अकीदा तौहीद, अगर अकीदा तौहीद बंदे को नहीं ना, तो यकीन जानिए बंदा जितने मर्जी अमल करता रहे, नेकियाँ करता रहे, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल करता नहीं। जब तक बंदा रब नू अपना रबो नल्ला नहीं कह लेंदा, अपना अल्लाह नू अपना हाजत रवा नहीं मान लेंदा, उस वक्त रब कोई इबादत, कोई इबादत, कोई हज, कोई उमरा, कोई नेकी भी अल्लाह नहीं कबूल करता। तो हर हाल के अंदर मैं पैगाम दे रहा कि अल्लाह का वास्ता दे के रहा कि हर हाल के अंदर अल्लाह का फकीर बन जा, अल्लाह का मोहताज बन जा। अल्लाह के दुआ है कि अल्लाह ताला सानू सही नमाज तो बाद चावल खवा लिया जे कड़ा रोला, अल्लाह खैर करे। दूसरी बात है, इन बंद करो भाई।